नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। बहुत जरूरी है खुश होना, सुखी होना और संपन्न होना। लेकिन काफी लोग जो नेगेटिव हैं, बिना कभी खुश होते हैं, ना सुखी हो पाते हैं, ना वे संपन्न हो पाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप नेगेटिव हैं इसीलिए ऐसा होता है। कितनी बार ग्रह नक्षत्र भी आपको परेशान कर रहे होते हैं, कितनी बार कंडीशंस भी आपको परेशान करती है, कितनी बार आप बहुत कोशिश करते हैं पॉजिटिव होने की, लेकिन दूसरे जो नेगेटिव लोग होते हैं वे लोग आपको परेशान भी कर रहे होते हैं। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप यही सोचें कि नहीं मैं ही कारण हूँ मेरे दुख का। वैसे लगभग दोस्तों, आप यदि कोशिश करें कंडीशनों को, बुरी कंडीशनों को उठाकर फेंक देने की, तो नेचुरली एक आप ही हैं जो खुद को उबार सकते हैं किसी भी गलत कंडीशन से। आज जो उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय दोस्तों आप करके देखना। इस उपाय में भी मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ यदि वर्क करती है तो वो आपके अपने अंदर की पॉजिटिविटी है, आपकी अपनी शक्ति। हर व्यक्ति के अंदर दोस्तों उसकी अपनी एक शक्ति होती है, जैसे हर व्यक्ति का एक देव होता है। मैंने काफ़ी वीडियोस पहले बना रखी है कि जिनका मूलांक एक है, जिनका मूलांक दो है, उनके कौन कौन से देव हैं। जब भी आप किसी भी समस्या से घिरते हैं, किसी भी समस्या में आप फंस जाते हैं, आपसे पहले आपका देव जागृत होता है और वो पूरी कोशिश करता है आपको उसमें से निकालने की। आपने महाभारत में देखा होगा दोस्तों, कर्ण महाभारत के समय जब भगवान सूर्यदेव को ये लगा कि अब कर्ण मुसीबत में आने वाला है, तब भगवान सूर्यदेव ने आकर के कर्ण से कहा कि कल आपकी माता आपसे वे तीर मांगने के लिए आएंगी, आपके कवच कुंडल लेने के लिए आएंगी जिससे तुम्हारी रक्षा हो रही है, तो उन्हें प्लीज मत दे देना, नहीं तो आपकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इंद्रदेव भगवान अर्जुन के, सॉरी अर्जुन जी के, भगवान कृष्ण के शिष्य अर्जुन को दर्शन दिया, उनको आकर के उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा ऐसा होने वाला है, सावधान रहना। तो जो आपके देव हैं वे आपसे ज्यादा चिंतित होते हैं, वही शक्ति आपके अंदर पड़ी है। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप अपने अंदर इस जागृत देव की बात सुनते हैं और उन तमाम पॉजिटिविटी को फॉलो करने लग जाते हैं। जो पॉजिटिविटीज, जो अच्छे रास्ते आपको अपनी समस्याओं से निजात दिलाते हैं। जब आप नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, पॉजिटिविटी से दूर हो जाते हैं, तभी आप समस्याओं में घिरते हैं। नेगेटिविटी सबसे बड़ा रोग है। नेगेटिव आदमी दोस्तों दुनिया में कुछ कर नहीं पाता है। किसी भी कारण से नेगेटिविटी आई हो, पूरी कोशिश करें कि वो दूर हो, आपसे दूर हो जाए, ताकि आपको हर जगह सफलता मिले। आज जो उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, इस उपाय को आप करके देखें। जितना पॉजिटिव होकर के आप बोलोगे उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो दोस्तों, किसी भी अच्छे दिन से जो वार आपका आपके मूलांक से जुड़ता हो, जैसे तीन के मूलांक वाले गुरुवार उनके लिए अच्छा सूटेबल होता है, दो के मूलांक वालों के लिए सोमवार होता है, एक के मूलांक वालों के लिए रविवार होता है, चार के मूलांक वालों के लिए शनिवार है, पाँच वालों के लिए बुधवार, छः वाले शुक्रवार, सात मूलांक वाले बुधवार, आठ वाले शनिवार, नौ वाले शनिवार और मंगलवार, ठीक है? तो अपने मूलांक के अनुसार आप दिन पसंद कर लें। और दोस्तों, आपको एक पेपर पर अपनी समस्या लिखनी है, लेकिन समस्या कैसे लिखनी है? जैसे कि आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आपको लिखना है कि अब आपकी शादी होगी। नौकरी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, अब मुझे नौकरी मिल जाएगी।
इस टाइप से आपको अपनी अपनी जो भी समस्या है उसको पॉजिटिव रूप दे करके लिख देना है, बराबर। लिख करके आपको उसको उस पेपर को अपने सामने रख लेना है, अपने सामने आपको बहुत ध्यान से दोस्तों सुनना, उस पेपर को कहीं भी दीवार पर आप चिपका दें और उसके सामने आप बैठ जाएं, पलाथी लगा करके बैठ जाएं कोई भी स्वच्छ स्थान में जहां आप कंफर्टेबल महसूस करें और आप अपने इष्ट देव को याद करें, जो भी आपके इष्ट देव हो, कृष्ण है, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर जय श्री कृष्ण, 9 बार आपको बोलना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी है तो 9 बार आप उनका मंत्र जाप कर लें और आप उनसे आशीर्वाद ले लें कि आप अब अपनी समस्या को दूर भगा देंगे और इस काम में आपके इष्ट देव आपकी पूरी पूरी मदद करें, शुभ आशीर्वाद दें आपको। और ये सब करने से पहले आपको दोस्तों अपने गुरु को भी अवश्य याद करना है, उसके बाद आपको ये करना है। आपको अपनी प्रॉब्लम को 9 बार बोल लेना है, मन ही मन आपको याद कर लेना है, अपने आप को फिट अप कर देना उससे, ये हाँ मेरी शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, 9 बार बोलना है आपको, 9 बार। जब मैं ऐसे उंगली दिखाती हूँ तो कितने लोग बोलते हैं कि आप बोलते ऐसा हो, उंगली इतनी दिखाते हो, मैं सिर्फ ऐसे हाथ करती हूँ, उस समय मेरा टारगेट दिखा, जब मैं किसी को उंगली दिखाती हूँ तो बताती हूँ कि ये इस उंगली में पहने, इस उंगली में पहने, तो 9 बार, ओके, 9 बार आपको अपनी प्रॉब्लम को बोल लेना है। बोलने के बाद अब आपको कंसंट्रेट करना है उस कागज पर जहां आपने उसका सॉल्यूशन लिख दिया है। जैसे कि आपने बोला है मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, आपने 9 बार अपने आप से ये बात बोल दी, लेकिन अपने आप को अब आप जागृत करेंगे और 9 बार आप उस पेपर की तरफ जहां आपने लिखा है कि अब मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, आपको कंसंट्रेट करना है, बिल्कुल भी आपकी पलक झपकनी नहीं चाहिए, कंसंट्रेट करें। पहले आप थोड़ी देर कंसंट्रेट करके देख लें कितनी देर आप देख पा रहे हैं, उसके बाद एक बार आंखें बंद करें, खोले बंद करें, खोले, उसके बाद आप कंप्लीट परफेक्ट हो जाए और उसकी तरफ आप कंसंट्रेट करें और 9 बार बोले यस मुझे नौकरी मिल जाएगी, और विश्वास के साथ, इसलिए नहीं कि मैं बोल रही हूं और आप बोल रहे हैं, विश्वास के साथ 9 बार बोले अपनी प्रॉब्लम को, 9 बार उसके सॉल्यूशन को बोल दें, और दोस्तों रिजल्ट आपको खुद देखने के लिए मिल जाएगा, कितनी जल्दी रिजल्ट आएगा, कितनी जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी ये कुदरत आपको रिजल्ट दे देगी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने पॉजिटिव रहे। 9 बार बोले, 9 का अंक पूर्ण अंक है, अपनी पूरी शक्ति लगा दे बोलने में, रिजल्ट आप खुद देखेंगे कितना बढ़िया आएगा। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, अवश्य करते रहे, खुश रहे, जय श्री कृष्ण।